Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are absolutely fine. एंड आज के वीडियो में दोस्तों मेरे को काफ़ी सारे मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि भैया आप एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर फुल वीडियो बनाओ ताकि हम जान पाएं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आखिर है क्या, इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, ये है कहाँ पर, कब इस्टेब्लिश हुई, कोर्सेज क्या क्या हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ कितनी है, अटेंडेंस क्या है, आई कार्ड कितना ज़रूरी है, कैंपस लाइफ कैसी है, क्लासेस कितने बजे से कितने बजे तक होती हैं, टोटल सीट कितनी है, वैकेंसी कितनी है, CSE स्टूडेंट कितने हैं, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर CSE के बच्चे ही एडमिशन लेते हैं. देखिए मैं पर्टिकुलरली किसी पे नहीं कह रहा हूँ, बट अधिकतर आपको बच्चे जो मिलेंगे वो CSE के ही मिलेंगे. प्लेसमेंट्स क्या हैं, ड्रेस कोड क्या है, हॉस्टल 1, 2, 3, 4 सीटर हैं तो वो क्या हैं, आप इसके बारे में वीडियो बनाइए एक. तो मैंने कहा ठीक है मैं बिल्कुल बनाऊँगा. तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जी हाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 2012 में, मैंने आपके लिए स्पेशली PPT बनाई है. तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 2012 में इस्टेब्लिश हुई थी. जी हाँ दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 2012 में इस्टेब्लिश हुई थी. आप जैसा कि देख सकते हैं इनके ऑफिशियल पेज पे मैं विजिट कर रहा हूँ, CUCHD.in. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूँगा मैं, ठीक है. दूसरा मैं बात करते हैं कि लोकेशन. जी हाँ दोस्तों बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है तो चंडीगढ़ शहर में होगी, चंडीगढ़ में घूमेंगे. नहीं दोस्तों, ये गढ़ुआ नामक गांव में, मोहाली के खरड़ के गढ़ुआ नामक गांव में ये स्थित यूनिवर्सिटी है जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से 30 किलोमीटर दूर है. दोस्तों एक आपके क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या फिर सरकारी यूनिवर्सिटी है. जी हाँ दोस्तों ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ना कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी, और ये एक गाँव में पड़ती है, ना कि चंडीगढ़ शहर में. तो ये बात आपको क्लियर हो गई, आशा है कि क्लियर हो गई होगी आपको. दूसरा एडमिशन क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर, देखिए इंजीनियरिंग को छोड़कर पहले बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग को छोड़कर आपके 12th में अगर 50% मार्क है देन आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है वेरी इजीली. नीड नॉट टू बरी, आराम से आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है. आप अगर आफ्टर 12th एडमिशन ले रहे हैं तो आपका एडमिशन बहुत ही आराम से हो जाएगा अगर आपने 50% मार्क अपने स्कोर किए हैं 12th में. तो दूसरा क्या है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अगर आपने जो जेईई इनका एग्ज़ाम होता है आपका, आप पहले दिए होते हो तो उसमें अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तब भी आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है. दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और है कि CU SET नाम का एक एग्ज़ाम होता है, उसके बेसिस पर भी CSE में या फिर इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन यहाँ पर होता है. तो ये सारे रहे एडमिशन क्राइटेरियाज कि आपका एडमिशन यहाँ पर कैसे होता है. बाकी जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप का मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप देख लेना कि कैसे किस प्रकार से स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में. तो पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, 12-13 मिनट का वीडियो है, वो पूरा देखना जाके तो आपको पता चल जाएगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का क्या सीन है. दूसरा कोर्सेस यहाँ पर कितने हैं, लोग पूछते हैं. अब भाई ये एक इंस्टीट्यूट नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस होंगे. लाइक देखिए इंजीनियरिंग, MBA, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एनिमेशन एंड मीडिया, BA फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज़, होटल एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, NCHMCT हॉस्पिटलिटी प्रोग्राम, एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ट्रेवल एंड टूरिज्म, MBA टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, फार्मा साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, मीडिया लैब टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंसेस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज़, एग्रीकल्चर साइंसेज, मीडिया स्टडीज़, फैशन एंड डिज़ाइन, साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, IBM स्पेशलाइज प्रोग्राम्स, स्पेशलाइज CSE प्रोग्राम्स, अप्लाइड हेल्थ साइंसेज, BSc साइंसेज, डाटा साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ एजुकेशन, योगा एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्राम हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी है, ना कि यह एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कम प्रोग्राम होते हैं. ये एक यूनिवर्सिटी है तो बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेज हैं आप कर सकते हैं. दूसरा लोग पूछते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है, तो कोरा पर अगर आप सर्च करेंगे तो फिर वहाँ पर 27K 30K आएगी, वो 2019 की रिपोर्ट है. लेकिन 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक अभी फिलहाल इन्होंने कोई अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम देखें तो इन्होंने नहीं दे रखा है कुछ भी कि कितने स्टूडेंट हमारे यहाँ हैं. वैसे हम एक आंकड़े के अनुसार बता सकते हैं कि यहाँ पर 40K स्टूडेंट्स हैं, 40K प्लस स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में. दूसरा जी हाँ दोस्तों यहाँ पर अटेंडेंस का बहुत बड़ा सीन है. आपकी अगर 75% प्लस अटेंडेंस नहीं है देन आप डिटेन हो जाओगे, ये लोग आपको डिटेन कर देंगे. अगर आपकी 74.99% है देन आपको ये लोग डिटेन कर देंगे, आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाओगे. इसका मतलब ये हुआ कि
आपको अगर आप डिटेन हो जाते हो तो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए अलग पे करना पड़ता है और थ्योरी सब्जेक्ट के लिए अलग पे करना पड़ता है। लाइक प्रैक्टिकल के लिए 6,000 और शायद थ्योरी के लिए 8,000 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं पर सब्जेक्ट अगर आप किसी सब्जेक्ट में डिटेन होते हो, और हर सब्जेक्ट की अलग अलग अटेंडेंस लगती है। यहाँ पर है एक CUIMS ऐप है, उस पर आपकी सब अटेंडेंस मार्क्स वगैरह जितने भी शो होते हैं वो CUIMS ऐप है उस पर शो होते हैं। दूसरा यहाँ पर आई कार्ड, जी हाँ दोस्तों सरकारी यूनिवर्सिटी में आप आई कार्ड डाल के जाइए ना जाइए, लेकिन ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आई कार्ड का बहुत बड़ा सीन है। चाहे आप टीचर हों, चाहे फैकल्टी हों, चाहे कोई भी हों, आई कार्ड पहनना बिना कोई भी अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। सो आई कार्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑल। अगर आई कार्ड आप नहीं पहने हैं देन आपको आई कार्ड लाना पड़ेगा। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो वापस जाइए, हॉस्टल में रहते हैं तब भी वापस जाइए, तभी आपको एकेडमिक्स में अंतर एंट्री मिलेगी जब आप अपना आई कार्ड पाए होंगे। दूसरा, कैंपस लाइफ कैसी है सीयू की? देखिए कैंपस लाइफ सीयू की बहुत बढ़िया है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी बढ़िया है। लाइक यहाँ पे DSW है, उसके अंतर्गत आप काम कर सकते हैं। बाकी ये देखो कन्वोकेशंस, लाइव इन कंसर्ट्स, टेक इवेंट्स एंड इवेंट्स, कल्चरल एंड कॉस्मोपॉलिटिशन, इवोक एंड यूथ समिट्स, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, प्रोमिनेंट विजिटर्स, सीयू रिदम्स, इंटरनेशनल फोकलोर फेस्टिवल, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम, नोटेबल एलुमनाई। देखो एक यहाँ पर ये लिखा है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, जी हाँ दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं, जैसे बादशाह, कियारा आडवाणी, अक्षय कुमार, हार्डी संधु, संजय दत्त, बाबा श्री श्री और कपिल शर्मा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, परमीश वर्मा और श्रद्धा कपूर, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, सिद्धार्थ मल्होत्रा भी आ चुके हैं, तो कैटरीना कैफ भी आ चुकी हैं, तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में विजिट कर चुके हैं और आ चुके हैं। तो कह सकते हैं कैंपस लाइफ बहुत बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बहुत बढ़िया है और यहाँ पर आपको काफ़ी इन्जॉय आने वाला है। पढ़ाई के साथ साथ आप यहाँ पर काफ़ी सारे इन्जॉयमेंट भी आपकी होगी। दूसरा, क्लासेस, जी हाँ दोस्तों बहुत लोगों को मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर क्लासेस कितने बजे से कितने बजे तक होती हैं, तो मैं बता दूं आपको क्लासेस जो हैं वो 9:30 से 4:30 तक होती हैं, लेकिन कभी कभी ये 9:30 से 3:30 तक भी हो सकती है, सॉरी 10 बजे से 4:30 तक और 10 बजे से 3:30 बजे तक भी हो सकती हैं क्लासेस, ये डिपेंड करता है आपके शेड्यूल के ऊपर। टोटल सीट कितनी है, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि पर्टिकुलर कोर्स के लिए सीट कितनी यहाँ पर है। देखिए कोई भी फिक्स नहीं है, पहली बात सुन लीजिए, कोई भी फिक्स नहीं है कि MBA के लिए 4,000 रखी हैं या MBA के लिए 400 सीटें रखी हैं साल, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि कितनी सीटें हैं। अगर आप जुलाई में एडमिशन लेंगे तब भी आपका हो जाएगा, जून में लेंगे तब भी हो जाएगा, मई में लेंगे तब भी हो जाएगा, अगस्त में लेंगे तब भी हो जाएगा, सेप्टेम्बर में लेंगे तब भी हो जाएगा, तो आप मई से लेकर सेप्टेम्बर तक कभी भी एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं अगर वैकेंसी है तो। तो कोई भी वैकेंसी इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं यहाँ पर इन्होंने नहीं दे रखी है, कहीं भी आप अगर सर्च करेंगे तो कोई भी वैकेंसी नहीं दे रखी है कि कितनी क्या वैकेंसी है पर्टिकुलर कोर्स के लिए। एडमिशन हो जाएगा आपका, 50% मार्क्स हैं आपके, एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए मैं इंजीनियरिंग पर ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि इंजीनियरिंग में ज़्यादा बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। तो CSE के यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने हैं, बहुत बच्चों को मेरे पास कमेंट आ रहे थे, तो CSE के स्टूडेंट यहाँ पर 4K+, जी 4,000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर CSE के हैं। अब मेन पॉइंट पर आते हैं जो कि है प्लेसमेंट। सभी बच्चों का कंसर्न रहता है कि प्लेसमेंट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की कैसी है, तो यहाँ पर लिखा है JPP ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम। तो सबसे पहले मतलब जानते हैं कि ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। देखिए ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम में ऐसा है, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि मैं जैसे एक कंपनी हूँ और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं गया, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर मैं गया, मैंने कहा कि मैं अपना वहाँ पर एग्ज़ाम लूँगा और मैंने XYZ यूनिवर्सिटी को बुलाना है, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी हरियाणा, UP, जम्मू, कहीं से भी आ सकती हैं, नॉर्थ जोन से कहीं से भी यूनिवर्सिटी आ सकती हैं यहाँ पर JPP में बैठने के लिए, जो है ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम। तो इसमें कहीं की भी यूनिवर्सिटी आ सकती है जहाँ की कंपनी चाहेगी, ये इसमें उन्होंने देखो लिख भी रखा होगा, मेंशन भी कर रखा होगा कि ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम आखिरकार है क्या। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स हाइलाइट्स। देखिए रिकॉर्ड सैलरी जो पैकेज गया है वो है 35 लाख रुपये। अब 35 लाख रुपये का ये तो मतलब हुआ नहीं कि एक साल ख़त्म हुआ तो उनके हाथ में 35 लाख रुपये रख दिए। CTC वगैरह बहुत कटता है, वो आपको बाद में मिल सकता है या फिर वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, आपको कम से कम 17, 18 या 19 लाख रुपये आपको मिलेगा इन हैंड। ये नहीं कि 35 लाख की आपकी प्लेसमेंट होगी तो एक साल बाद आपको 35 लाख रुपये आपके हाथ में रख दिया, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने दूसरी बात मेंशन कर रखी है कि 691+ मल्टीनेशनल
कंपनीज यहाँ पर आ रखी हैं और 80,000 स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑफर्ड प्लेटफॉर्म अंडर JPP। यही मैं बात कर रहा था कि JPP क्या है, जॉइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम। इस जॉइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम यही है कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी किसी यूनिवर्सिटी में आती है तो एग्ज़ाम लेने के लिए वो कहीं के भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बुला सकती है, जहाँ के वो बुलाना चाहे। तो ये है जॉइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम। ड्रेस कोड क्या है? देखिए, ड्रेस कोड यहाँ पर बेड्रेस डे को आपको ड्रेस पहननी होती है। अगर आप एयरलाइंस या फिर होटल मैनेजमेंट से नहीं है, देन आपको बेड्रेस डे को खाली ड्रेस पहननी होती है। हॉस्टल का क्या सीन? देखिए, हॉस्टल की मैं 4-5 वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या फिर मेरे को कॉल बी फॉर ऐप पर बात कर सकते हैं मेरे से। ये हॉस्टल का सीन यहाँ पर क्या है, हॉस्टल यहाँ पर 1 सीटर भी है, 2 सीटर भी है, 3 सीटर भी है, 4 सीटर भी है। 4 सीटर देखिए, ELC में सभी 4 सीटर हैं, जिनकी 90,000 फीस है। जो 4 सीटर हैं उनकी 90,000 फीस है। 5 सीटर जाकिर में है, उनकी 81,000 फीस है इस साल की। और 1 सीटर अगर आप AC वाले लेंगे तो 1.5 लाख रुपये फीस है, और 1 सीटर अगर आप नॉन AC लेंगे तो 1,30,000 रुपये फीस है, जो कि NC6 में है। अगर आप 2 सीटर लेंगे उनकी 90,000 ही फीस है। वो सिटी हॉस्टल है, खरड़ में पड़ता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से 5 किलोमीटर दूर है। तो आप अगर आप 5 किलोमीटर का ट्रेवल रोज कर पाएँ तो आप 2 सीटर रूम ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप 4 सीटर रूम लेना चाहते हैं अटैच बाथरूम, देन आप गोविंद हॉस्टल ले सकते हैं। गोविंद हॉस्टल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से थोड़ा बाहर है, लेकिन है कैंपस में ही, लेकिन आउटसाइड कैंपस बोल सकते हैं उसे। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में NC, ELC, जाकिर, गोविंद और सिटी हॉस्टल, ये 5 प्रकार के हॉस्टल्स हैं। ELC आपका 4 सीटर है, गोविंद आपका 4 सीटर है, NC आपका 4 सीटर है, NC में 3 सीटर भी है, 2 सीटर भी है, 1 सीटर भी है, और जाकिर आपका 5 सीटर हो ही गया, गोविंद आपका 4 सीटर हो ही गया, सिटी हॉस्टल आपका 2 सीटर है। तो अगर आपको हॉस्टल रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए ना, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कीजिए, मैं सब कुछ बताने के लिए वहाँ पर आपको तैयार हूँ। दूसरा, यहाँ पर कोरा पर भी बहुत सारे लोगों ने रिव्यू दे रखा है अबाउट CU, तो इन्होंने एवरेज पैकेज, देखो मैं कोरा पर ज़्यादा विश्वास तो करता नहीं हूँ, जब तक यहाँ पे लोगों ने बहुत शायद टीचर उचर ने डांट दिया हो तो फिर गलत रिव्यू दे रहे हों बच्चे। तो एवरेज पैकेज लिख रखा है इन्होंने 4.5, ये बिल्कुल सही मान सकते हो कि 4.5 एवरेज आपका मिल ही जाएगा लगभग। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आपने अपने एकेडमिक्स में 7.5 CGPA से ऊपर रखे हैं और एकेडमिक्स रिकॉर्ड आपके गुड हैं, देन आप यहाँ पर आपको प्लेसमेंट ड्राइव में बैठने का ज़रूर मौका मिलेगा और आपकी प्लेसमेंट यहाँ से हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 691 प्लस कंपनीज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में विजिट किए गई हैं और बच्चों को प्लेस करके ले गई हैं। 6,617 बच्चों को ऑफ़र मिला है। अब देखो, ऑफ़र मिलना और प्लेसमेंट होना, यहाँ पर एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। ऑफ़र मिलना मतलब कि मेरे को एक कंपनी ने ऑफ़र किया 17 लाख, एक कंपनी ने किया 11 लाख, एक कंपनी ने किया 5 लाख, तो मेरे को 3 ऑफ़र मिले, तो 3 ऑफ़र मेरे ही नाम पर हो गए, 3 ऑफ़र X के नाम पर ही हो गए, मतलब मेरे नाम पर हो गए। तो ऑफ़र मिलना एक अलग चीज़ होती है और कंपनी में प्लेस होना एक अलग चीज़ होती है। हाइएस्ट पैकेज ये लोग दिखा रहे हैं 35 लाख पर एनम का, जो कि इंजीनियरिंग ब्रांच में है, और मैनेजमेंट में आपका 28 लाख पर एनम है, और इनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज कराएगा, दर्ज है नाम रिकॉर्ड इनका। दूसरा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को भी रिसेंटली NAC A+ एक्रेडिशन मिला है, जो कि काफ़ी बढ़िया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए। दूसरा, आपने सब कुछ के बारे में जाना ही होगा, जितने प्रोग्राम्स हैं, एकेडमिक्स हैं, एडमिशन्स कैसे होता है, कैंपस लाइफ कैसी है, प्लेसमेंट क्या है। यहाँ पर प्लेसमेंट का आपको सीन मैंने बता ही दिया, एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पर, अगर आपने अपने एकेडमिक्स रिकॉर्ड अच्छे रख रखे हैं, देन यहाँ पर आपको प्लेसमेंट हो जाती है, आपकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4 लाख 5 लाख से स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी, बट अगर आपने एकेडमिक्स में अच्छे रिकॉर्ड अपने रख रखे हैं। दूसरा, आपको किसी भी रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे को कॉल मी फॉर ऐप पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगा हो चैनल को लाइक, मेरे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।